Hello student, Hemant Sajith here. So today we are going to solve the second, third problem of the practice set 5.2. Okay. In previous video we have already covered first two questions as well as the some solved problem. Okay. So today we are going to start the third problem of your practice set 5.2. The question number 3 says, the age of Deepika, age of Priyanka and Deepika, इनकी age का sum कितना है? 34 year है. The question says, the sum of age of Priyanka and Deepika is 34 year and Priyanka is elder than, that is ज्यादा age है, elder than Deepika by 6 year, then find the age या present age of Deepika and Priyanka. Okay, so first we have to consider. So what we have to consider? The present age of Priyanka be X year and present age of Deepika is Y year. Okay, then according to first condition, what is first condition? The sum of age of Priyanka and Deepika is 34 year. So we have to write that X plus Y equals to 34 and it is our first equation. Okay. Then according to second condition. क्या हो जाएगा? प्रियंका इज एल्डर देन बाय दीपिका बाय 6 ईयर. सो एक्स इज द एज ऑफ प्रियंका इक्वल्स टू वाई इज एज ऑफ दीपिका. सो एज ऑफ दीपिका में हमने अगर 6 ऐड कर दिया तो हो जाएगी एज ऑफ एक्स यानी ही प्रियंका के बराबर. ओके, सो एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 6 इज अवर सेकेंड इक्वेशन. हम y को इससे भी ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस y इक्वल्स हो जाएगा 6 ईयर. दैट मीन्स दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? 6 ईयर है. सो इट इज अवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बाय सॉल्विंग देम वी कैन कैलकुलेट द इंडिविजुअल एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका. ओके, सी यहाँ पर y वेरिएबल का कोफिशियंट सेम है, दोनों का साइन कैसा है? डिफरेंट है. अब साइन डिफरेंट है और कोफिशियंट सेम है, सो हम क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशन. क्या हो जाएगा? नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. हम दोनों को ऐड कर रहे हैं. ओके, सो वी आर सॉल्विंग हियर. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इट इज देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 34 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 6. एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 6 ईयर. ओके, सो पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई विल गेट कैंसल. नाउ एक्स प्लस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 34 प्लस 6 इज 40. हमको एक्स वैल्यू निकालना है, सो वी हैव टू ट्रांसफर द 2 विच इज इन मल्टीपल फॉर्म ऑफ x. सो 40 के डिवीजन में चल जाएगा. तो जाएगा x इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 20. ये हो गई एज ऑफ किसकी? एज प्रियंका की एज. ओके, नाउ प्लेस x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1. अब किसी भी इक्वेशन में x के वैल्यू को प्लेस करोगे, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y. देयरफॉर व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इट इज x प्लस y इक्वल्स टू
34. सिंस x इक्वल्स टू 20 तो हो जाएगा देयरफोर 20 प्लस y इक्वल्स टू 34. अब y की वैल्यू निकालना है तो हम 20 को ट्रांसफर करेंगे, तो 20 कैसा है इसके एडिशन में, तो अब ये इसके ट्रांसफर करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में चले जाएगा एंड इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज. देयरफोर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 34 माइनस 20. सो y इक्वल्स टू 34 में से 20 है तो कितना बच जाएगा 14. ओके सो 14 विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y. अब देखो x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल गई और x और y एक्चुअली क्या लिए थे हमने एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, दैट मींस वी हैव द आंसर. सो वी हैव टू राइट द रिजल्ट नाउ. ओके सो रिजल्ट वी आर राइटिंग हियर. तो रिजल्ट क्या जाएगा द एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर एंड द एज ऑफ दीपिका इज 40 ईयर और यही हमारा आंसर है. ओके सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट रिपीट दिस वीडियो वंस एंड देन राइट. ओके सो राइट डाउन. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. ओके द फोर्थ प्रॉब्लम सेज देयर आर पीकॉक एंड लायंस आर इन द जू. एक जू है जहां पर लायंस भी है एंड पीकॉक भी है, तो उन दोनों का सम कितना है क्वेश्चन में कह रहा है इट इज 50. सो दोनों का जो सम है वो कितना है 50 है, बट द सम ऑफ देयर लेग्स उनके जो लेग्स का सम है वो कितना है 140 है. देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चंस, वी हैव टू राइट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पीकॉक एंड लायन इन द जू. ओके सो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर लेट एक्स बी द नंबर ऑफ लायंस इन द जू एंड वाई बी द नंबर ऑफ पीकॉक इन द जू. ओके देयरफोर बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है इन दोनों का सम एंड एक्स नंबर ऑफ पिकॉक एंड नंबर ऑफ लाइन इक्वल्स टू 50 है. देयरफोर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 50. इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके नाउ बाय सेकेंड कंडीशन सेकेंड गिवन कंडीशन अब सेकेंड गिवन कंडीशन क्या है लायन के लेग्स और पिकॉक के लेग्स का सम 140 है. कितना है 140. सो वी नो लायन के लेग्स कितने होते हैं 4. देयरफोर 4 इंटू एक्स नंबर ऑफ लायन इंटू 4 इज नंबर ऑफ लेग्स ऑफ 4 प्लस पिकॉक के लेग कितने होते हैं 2. सो जाएगा 2 इंटू वाई नंबर ऑफ पिकॉक इंटू देयर लेग्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना बोल रहा है क्वेश्चन 140. कितना है 140. सो नाउ वी टू मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 2 इंटू वाई इज 2y इक्वल्स टू 140. अब हम इसको और भी सिमिलर फॉर्म में लिख सकते हैं. हाउ पूरे इक्वेशन को अगर हमने 2 से डिवाइड किया सो वी कैन राइट
2x प्लस y इक्वल्स टू, इसका हाफ कितना हो जाएगा 70। कैसे आया? बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन, बाय टू। होल इक्वेशन को हमने टू से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, इतना। और यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन, ओके, बाय टू। सी वी हैव बोथ द इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। सो यहां पर जो y वेरिएबल है, इन दोनों का कोफिशियंट क्या है, सेम है, तो हमको कोफिशियंट इक्वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर वी हैव टू एड द इक्वेशन और सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन। सी यहां पर इसका जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव, और यहां पर भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स जब साइन पॉजिटिव आते हैं दोनों, तब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को सब्सट्रैक्ट करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू क्या है, इट इज टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 70 माइनस, और इक्वेशन नंबर वन इट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। सो एक्स पॉजिटिव है सो हो जाएगा नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है ये भी हो जाएगा नेगेटिव, और 50 पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ओके। सो पॉजिटिव y नेगेटिव y विल गेट कैंसल, 2x में से x गया तो बच जाएगा x इक्वल्स टू 70 में से 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 20, ओके। सो नंबर ऑफ लाइन निकल गए, कितने नंबर ऑफ लाइंस आर 20, ओके। नाउ प्लेस x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन वन, व्हाट इज इक्वेशन नंबर वन, इट इज x प्लस y इक्वल्स टू 50। अब x की वैल्यू कितनी है, 20, देयरफॉर हो जाएगा 20 प्लस y इक्वल्स टू 50। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20, तो 20 को हमने ट्रांसफर कर दिया। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 20 यानी 30, ओके। सो वी हैव वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल, दैट मीन्स हमारे पास लाइन का भी नंबर है एंड पिकऑफ का भी नंबर है, ओके। सो वी हैव टू राइट द रिजल्ट डाउन, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, द नंबर ऑफ लायन इन द जू, द नंबर ऑफ लायन इन द जू इज, कितने हैं लायन, लायन क्या लिया था हमने एक्स, एक्स वैल्यू कितनी 20, इज 20, एंड नंबर ऑफ पिकॉक इन द जू इज 30, और ये आपको दिख नहीं रहा है, सो वी हैव टू राइट द रिजल्ट ओवर हियर, ओके। तो रिजल्ट हम यहां पर लिख रहे हैं, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ लायन इन द जू इज कितने बेटा, 20, एंड नंबर ऑफ पिकॉक इन द जू इज 30, और यही हमारा आंसर है, ओके। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। सो राइट डाउन बिकॉज वी हैव completed our equation, okay, so write down. So students, this is the way you have to solve the problems. So
The question number 5 and 6. The question number 5th and 6th will be homework for you. Okay. So we have completed our first 4 questions. So second 2 next questions are homework for you. Okay. Then by next video we are going to complete our this chapter by completing this exercise. Okay. And you have to solve the questions of the problem set also. Okay. So number of question in problem set which are depends on the previous practice set that we already solved are homework for you. Okay. So, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में.